Hello everyone, welcome to Maneuver. So today in this video we will discuss about the MH Law CET paper which was held on 11th October 2020 in a morning shift. Especially we will discuss about the static GK and current affairs part and which type of the questions was came in your exams and proper analysis. It is a totally memory based question, guys. So the question will be not exact question which was came, but what the question is actually asking. So here I try to cover it. Okay. That will be helpful for the student who already appeared this exam and the student who are planning for the next year, so they can understand from where the question will come and what is the ratio of the question. It means static GK and current affairs. So see the question which was from the history section. So yahan pe 4 question history section se the. It may be more than, but jitna mujhe yaad hai uske basis pe maine yahan pe question ko framing karne ka try kiya hai. So ek question jo wahan pe pucha gaya tha Khajuraho se related. Khajuraho is associated with Hindu religion and गाइज ये क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन नहीं है जो कि एग्जाम्स में आया था, बट क्वेश्चन का थीम वही है व्हाट द क्वेश्चन इज एक्चुअली आस्किंग. ओके, सो जो दूसरा रिलीजन से रिलेट करके था वहां पे 4-5 ऑप्शन थे, बुद्ध रिलीजन, मुस्लिम, क्रिश्चियन. सो जिसका राइट आंसर था जैन रिलीजन, इट वॉज ऑल्सो इन ऑप्शन. सो जैन रिलीजन से ये रिलेटेड है जिसका राइट आंसर ये था. सेकेंड क्वेश्चन था भोपाल सिटी का जो नाम है वो किस इंडियन रूलर के नाम पे है. सो ये भी एंशियंट हिस्ट्री से आप इसको मार्क कर सकते हो. सो राजा भोज के नाम पे भोपाल सिटी का नाम रखा गया है. एंड थर्ड क्वेश्चन जो कि मिडविल हिस्ट्री से था अकबर से, एंड सेम वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द मुगल पीरियड एंड मिडविल पीरियड बाबर से, हु इज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर. द राइट आंसर जिसका था बाबर. सेकेंड वॉर ऑफ द पानीपत जो कि अकबर एंड हेमू के बीच में हुआ था. तो काफी ईजी क्वेश्चन थे ये दोनों क्वेश्चन, आई थिंक इजिली आप मार्क कर लोगे. ये फर्स्ट क्वेश्चन भी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है बिकॉज एवरीबडी नो द मॉन्यूमेंट्स ऑफ द खजुराहो. मोस्ट ऑफ द पीपल आर अवेयर अबाउट दैट. ओके, सो बेसिकली हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन थे राजा भोज के बेसिस पे आप भोपाल को भी मार्क कर सकते थे गेस करके. तो इजिली ये 4 के 4 आप अटेम्प्ट कर सकते थे, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था हिस्ट्री सेक्शन से. एंड अगर से पॉलिटी सेक्शन से बात करें तो यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था बिकॉज जो फर्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी से यहाँ पे मैंने फ्रेम किया है, मेघालय स्टेट वॉज लोकसभा, ये एग्जाम्स में फर्स्ट क्वेश्चन भी था. सो जो वहाँ का लोकसभा सीट एंड जो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली होती है विच इज़ कॉल्ड द विच इज द असेंबली ऑफ द मेघालय, सो वहां पे कितनी सीट है, दोनों के नंबर्स पूछा गया था. हार्डली किसी को कॉन्स्टिट्यूएंसी पर्टिकुलर स्टेट एंड स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उनका बहुत हार्डली किसी को रिमेंबर्स रहता है. सो जिसका राइट आंसर है 60 इज द स्टेट असेंबली एंड 2 इज द लोकसभा सीट. ओके, इसका राइट आंसर यही था. एंड एक और क्वेश्चन था जो कि इलेक्शन कमीशन से रिलेट करके था कि जब भी पर्सन्स अपने को इनरोल करते हैं या फिर जो इलेक्शन कमीशन का रिवीजन इलेक्ट्रल जो हमारी वोटिंग लिस्ट होती है उसका कौन सा डेट होता है, तो जिसका राइट आंसर था 1 जनवरी. आई होप यू पीपल आर अवेयर अबाउट इट. सो इजिली इसको मार्क कर सकते थे, इसको हम डिफिकल्ट सेक्शन में रख सकते हैं, बट दिस इज अ ईजी क्वेश्चन. एंड वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द पॉलिटी इज आर्टिकल 64 से रिलेट करके था, जो कि एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्वेश्चन वॉज आस्किंग, बट इतना मुझे रिमेंबर्स है कि आर्टिकल 64 से रिलेट करके क्वेश्चंस पूछा गया था. तो आप इसको भी पॉलिटी सेक्शंस में रख सकते हो और यहाँ पे 3 क्वेश्चन पॉलिटी सेक्शन से फ्रेम हुआ था. ओके, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी से जो एक क्वेश्चन आया था स्पेशली जो प्लेन एरियाज होते हैं उससे रिलेट करके आया था. वहाँ पे 2-3 स्टेट के नाम दिए थे, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था वन मोर स्टेट, एक और स्टेट का नाम क्या है. सो जिसका राइट आंसर हरियाणा था, हरियाणा ऑप्शन में भी था. एंड वन क्वेश्चन फ्रॉम द रिवर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम्स के लिए. सो तिब्बत से एक ओरिजिन्स एक रिवर को लेकर के जो कराची पाकिस्तान के साइड में फ्लो करती है और इसका एंड कराची में होता है. रिवर से रिलेट करके एक क्वेश्चन पूछा गया था एंड वहाँ पे 4 ऑप्शन थे, लाइक गंगा था, ब्रह्मपुत्र था एंड वन मोर रिवर नेम आई थिंक महानंदा समथिंग लाइक दैट एंड वन नेम वॉज द इंडस रिवर. ओके, सो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इज नॉट ए पॉसिबल आंसर, वो तो आंसर हो ही नहीं सकता था. जिसका राइट आंसर था इंडस रिवर, अगर जिसने भी मार्क किया रहेगा उसका राइट आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको आप ज्योग्राफी सेक्शंस में रख सकते हो, इट इज आसाम से रिलेट करके था, जो वहां के सिल्क प्रोडक्शन से जो कि वेल नोन वर्ल्ड लेवल पे जाना जाता है, सिल्क प्रोडक्शन से रिलेट करके वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था. एंड वन डैम से रिलेट करके था, जो डैम बर्मा में है बट इट्स रिलेटेड टू द इंडिया. सो वो डैम का एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था मुझे रिमेंबर्स नहीं है. अगर किसी पर्सन को रिमेंबर है सो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं. ओके, सो बेसिकली मेरा मेन फोकस ये है कि एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि किस एरिया से कितने क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं. सो अगेन यहाँ पे 4 क्वेश्चन जो कि मुझे याद है ज्योग्राफी सेक्शन से 4 क्वेश्चन फ्रेम हुए थे. एंड अगर हम बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स की बात करें तो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वो किस कंपनी एक्ट में आता है अकॉर्डिंग टू द RBI. सो जिसका राइट आंसर था कंपनी एक्ट 1956, ये भी एक ईजी क्वेश्चन था.
एंड ये क्वेश्चन जो है SBI रेट, इट इज अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन गाइज। ये सिर्फ बैंकिंग टाइप के एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, बट आई डोंट नो वाई दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन वॉज इन अ लॉ एंट्रेंस एंड IBPS ने क्यों फ्रेम किया। ये क्वेश्चन था बैंकिंग रेट, आई थिंक CRR से तो नहीं था बट आई थिंक SLR या समथिंग कोई रेट से रिलेट करके था, मुझे एग्जैक्ट वो रिमेंबर्स नहीं है, बट जो 3 ईयर्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि ये इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं। ओके, सो बैंक्स रेट से रिलेट करके भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो था अपॉइंटमेंट ऑफ द SBI के चेयरमैन से ये रिलेट करके क्वेश्चन था, तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आते हैं और हमने ये क्वेश्चन भी कवर किया था, तो रजनीश कुमार वेरी इजिली यू कैन मार्क। सो इस क्वेश्चन को आप डिफिकल्ट एंड अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन के कैटेगरी में रख सकते हो। तो बेसिकली 3 क्वेश्चन यहाँ पे बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स आए थे, हो सकता है इट में भी कि एक आध क्वेश्चन और हो जो मुझे रिमेंबर्स नहीं है। एंड अवार्ड सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन अवार्ड सेक्शन से था, विच इज़ अनएक्सपेक्टेड। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 or 2 क्वेश्चन अवार्ड सेक्शन से इट में भी पॉसिबल हो सकता है, बट यहाँ पे 5 क्वेश्चन गाइज आया था, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोफेसर PC महालनोबिस, ये जुलाई मंथ का न्यूज़ है। उसके बाद आपका ये इंटरनेशनल गांधी अवार्ड से एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक दिस इज द न्यूज़ फ्रॉम द मार्च मंथ से रिलेट करके एक ये न्यूज़ है, जिसका राइट आंसर डॉक्टर NS धर्मशक्तु। एंड हियर इज़ अ वन मोर अवार्ड रिलेटेड टू द ऑस्ट्रेलिया, जो कि वहाँ के वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट देती है, बट एग्जैक्टली क्वेश्चंस किस वे में फ्रेम हुआ था ये भी मुझे याद नहीं है, बट आप इसको अवार्ड सेक्शन में इसको ऐड कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया से था जो कि वहाँ से अवार्ड दिया गया था, PT USA से रिलेटेड, ये 2019 का न्यूज़ है जब इनको ये अवार्ड दिया गया था। तो बेसिकली वहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इस तरह से 4-5 ऑप्शन थे जिसका राइट आंसर था IAAF। सो इसको भी बहुत इजीली आपने करंट अफेयर से कवर कर लिया होगा। एंड वन मोर क्वेश्चन वाज फ्रॉम द अवार्ड सेक्शन जो कि मुझे याद नहीं है, बट बेसिकली आप 5 क्वेश्चन रिमेंबर रख सकते हो कि अवार्ड सेक्शन। सो फॉर द पीपल हु आर गोइंग टू अपियर 3 ईयर्स के लिए स्पेशली अवार्ड सेक्शन इज अ टू मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। एंड अदर क्वेश्चन कुछ थे लाइक साउथ अमेरिकन कंट्रीज में एक इंडियन पर्सनालिटी प्रेसिडेंट्स के लिए अपॉइंट हुए हैं, बट आई डोंट नो व्हाट इज द नेम, मुझे खुद भी याद नहीं है एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री। सो बट ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ था एग्जाम में। एंड वन क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू द वर्ल्ड बैंक, जो स्टार प्रोजेक्ट है वर्ल्ड बैंक का, जिसके लिए कितना अमाउंट सेंक्शन किया गया है, वहाँ पे 300, 400, 500 आई थिंक 200 मिलियन, इस तरह से ऑप्शन था जिसका राइट आंसर है 500 मिलियन। एंड गवर्नमेंट स्कीम से एक क्वेश्चन था, कौन से स्कीम से है आई डोंट रिमेंबर, अगर किसी को याद है सो यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द अदर टू अंडरस्टैंड। एंड एक क्वेश्चन हेडक्वार्टर से रिलेट करके था, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर आई थिंक द आंसर ऑफ दिस इज अ कोलकाता इज अ राइट आंसर, एंड आई होप कि यू मोस्ट ऑफ द पीपल नो। सो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में फ्रेम हुए थे। अगर इसका हम ब्रीफ देखें तो हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन, पॉलिटी से 3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चन, बैंकिंग एंड इकोनॉमी स्टैटिक पॉइंट से, ओके बैंकिंग एंड इकोनॉमी के स्टैटिक पॉइंट्स अगर हम देखें तो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डे, ये इंपॉर्टेंट डे नेल्सन मंडेला से रिलेट करके था, जो कि 18 जुलाई को ऑब्जर्व होता है नेल्सन मंडेला डे, तो इंपॉर्टेंट डे की कैटेगरी में। एंड हमने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म भी किया था कि 1 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द इंपॉर्टेंट डे, वो मोस्टली एग्जाम्स में आता है, तो 1 क्वेश्चन यहाँ से आया था। एंड इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर जो मैंने आपको बताया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सो 1 क्वेश्चन वॉज फ्रॉम देयर। एंड अवार्ड जो कि 5 क्वेश्चन हमने देखा, व्हाट वॉज द क्वेश्चन फ्रॉम द अवार्ड सेक्शन, गवर्नमेंट स्कीम से 1 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो इंडियन पर्सन अपॉइंट हुए प्रेसिडेंट्स के लिए साउथ अमेरिका में, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो SBI का न्यूज था रजनीश कुमार, बैंकिंग एंड इकोनॉमिक स्पेशली बैंक रेट से रिलेट करके जो न्यूज था, एंड अदर 5 क्वेश्चन जो कि मुझे रिमेंबर्स नहीं है। एंड इफ किसी को रिमेंबर्स है सो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, जिससे कि ये पूरा 30 का रेशियो कंप्लीट हो जाए। सो बेसिकली हियर यू कैन अंडरस्टैंड कि स्टैटिक एंड करेंट का जो रेशियो होता है, सो आप काउंट कर सकते हो 4, 3, 7, 11, 13, 14, 15, सो 15 क्वेश्चन तो फिक्स है, जितना कि मुझे याद है 15 क्वेश्चंस फिक्स है स्टैटिक जीके से। एंड अगर हम करेंट की बात करें तो 5, 1, 6, 7, 8 to 10 10 क्वेश्चन यहाँ पे तो करेंट अफेयर से 100% फिक्स है। एंड ये 5 क्वेश्चन का मुझे सेग्रीगेशन एंड क्वेश्चन भी याद नहीं है, तो इट मे बी स्टैटिक जीके, इट मे बी
करंट अफेयर्स का पार्ट हो सकता है. तो बेसिकली आपको आइडिया लग जाएगा ये जो पैटर्न है जीके एंड करंट अफेयर्स सेक्शन का. सो बेसिकली आप इसको 50-50 में भी रख सकते हो. तो इक्वली फोकस करना है आपको इस पार्ट पे. बेस्ट स्कोर की अगर मैं बात करूं तो इजिली आपको 20 मार्क्स, अगर किसी ने बहुत ही सिंसियरली प्रिपरेशन किया तो 20 मार्क्स बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा. एंड मॉडरेट लेवल के कैटेगरी में आप रख सकते हो इस सेक्शन को. एंड जिसने काफी डीपली स्टडी किया रहेगा तो इजिली वो 25 तक गेन कर सकता है इस एग्जाम्स में. ओके गाइस, सो आई होप दिस एनालिसिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू. सो पीपल जिन्होंने एग्जाम्स दिया है उनको थोड़ा सा बेटर आइडिया लग जाएगा कैसा उनका पेपर था एंड व्हाट वाज द क्वेश्चन. एंड द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगर कोई आपका कलीग एंड फ्रेंड्स या फिर आप खुद प्रिपरेशन कर रहे हो नेक्स्ट ईयर के लिए, प्लानिंग कर रहे हो, यू कैन ज्वाइन आवर लाइव क्लासेस. एंड फॉर एनी डाउट एंड क्वेरी यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 8828581455. सो गाइज, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड होप यू पीपल विल गेट द गुड मार्क्स इन योर एग्जाम. थैंक यू.